ये आज जो निर्विरोध मुझे चुना गया है, भाजपा ने जो ये मान सम्मान मुझे दिया है, इसका मैं तय दिल से सारा शीर्ष नेतृत्व की धन्यवाद करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय खट्टर साहब का, माननीय हमारे एचएम साहब जो हैं अमित शाह जी का, हमारे नड्डा साहब का और हमारे सीएम साहब का, सबका जो है शीर्ष नेतृत्व जो है बडोली जी हैं हमारे अध्यक्ष, सबका मैं तय दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये दर्शाता है कि किस तरह से भाजपा काम करती है। यही मैं कांग्रेस की कैंडिडेट बनके 20 साल पहले आई थी और मुझे मालूम था कितने पापड़ मुझे बेलने पड़े, और उसके बावजूद जो है ये जो है षड्यंत्र करके मुझे हराया गया था। तो उस समय जो इनकी नियत थी कि ये इसमें यहाँ पे ना आ पाए, वो जो है आज पूरा 20 साल बाद जो है ये बात पूरी हुई है। और जिस तरह से कुछ मुझे नहीं करना पड़ा, मुझे ये कह दिया गया कि आप अपने घर जाके बैठो, ये भाजपा का काम है, वो काम करेंगे। तो ऐसे होता है पार्टी का काम, और ऐसी पार्टी के साथ जुड़ने पर मुझे फक्र महसूस हो रहा है और पूरी तरह से दमखम के साथ मैं काम करूंगा। निश्चित तौर पे फायदा होगा, जब पूरा निर्विरोध चुना जाता है, कोई तो कैंडिडेट सामने दिया जाता, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब आप इतने बड़े नेता हो, आप एक दो आदमियों को भी नहीं तोड़ सकते। इनको ये डर था कि इनके भी जो लोग हैं, अगर चुनाव होता है तो हो सकता था कि कांग्रेस के जो इनके जो एमएलएज हैं वो क्रॉस वोटिंग कर देते। असलियत के अंदर ये डर था इनको। देखिए, अब उनके ऊपर तो क्या मैं कहूं, मैं तो ये एक बात कहूंगी कि वो उनका अपना निजी सोच होगी, वो शायद किसान